गुड मॉर्निंग बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है उपसर्ग। उपसर्ग की परिभाषा, उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के आगे लगते हैं उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा है, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे शब्द उपसर्ग मूल शब्द। बच्चों जैसे शब्द है सपूत, अवगुण, उपयोग और स्वदेश। अब ये मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे सपूत, अवगुण, उपयोग और स्वदेश। इसमें से हमें क्या है? उपसर्ग को अलग करना है और मूल शब्द को क्या है? अलग करना है। सपूत में उपसर्ग है, उपसर्ग जैसे जो आगे लगते हैं। इसमें है से, और अवगुण में है उपसर्ग अव, और उपयोग में है उप, और स्वदेश में उपसर्ग है स्व। मूल शब्द है इसमें पूत, और इसमें अवगुण में मूल शब्द है गुण, उपयोग में मूल शब्द है योग, और स्वदेश में मूल शब्द है देश। जैसे बच्चों देखो, हम यहाँ पर कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे उसमें उपसर्ग है अप, अनु, अभी, अव, उप और सम। ये क्या है? उपसर्ग। और इनसे अब हम बनाएंगे मूल शब्द और इससे नया शब्द। मूल शब्द है इसमें मान, अनु में मूल शब्द मान, अभी में भी मान, अव में मान, उप में मान और सम में मान। मूल शब्द है मान।
अब इनसे बनने वाला नया शब्द है, जब उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़ेंगे अप प्लस मान तो क्या बन जाएगा? अपमान। अनु प्लस मान को जोड़ेंगे उपसर्ग और मूल शब्द को बन जाएगा अनुमान। अभी प्लस मान को जोड़ेंगे उपसर्ग और मूल शब्द को बन जाएगा अभिमान। अब प्लस मान को जोड़ेंगे उपसर्ग और मूल शब्द को तो इससे नया शब्द बन जाएगा अवमान। उप उपसर्ग और मूल शब्द मान को जोड़ेंगे उससे नया शब्द बनेगा उपमान। सम उपसर्ग है और मान है मूल शब्द, सम प्लस मान को जोड़ेंगे बन जाएगा नया शब्द सम्मान। अब बच्चों हम उपसर्ग और उसका अर्थ और उससे बनने वाले क्या है नए शब्द बनाएंगे। जैसे पहला उपसर्ग में है अति, अति का अर्थ क्या होता है? बहुत। और इस उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द कौन से हैं? अतिक्रमण। अत्याचार। और अतिवृष्टि। दूसरा उपसर्ग है अधि। अधि का मतलब होता है ऊपर। इससे बनने वाले शब्द अधिकारी। अधिग्रहण। और अधिनायक। तीसरा उपसर्ग है इसमें अनु। अनु का मतलब होता है पीछे। इससे बनने वाले शब्द अनुकंपा। अनुपालन। अनुसरण। चौथा है अप। अप का मतलब होता है बुरा। अपकार। इससे बनने वाले नए शब्द अपकार। अपशकुन। अपव्यय। पांचवा है अभी। अभी का अर्थ होता है सामने। इससे बनने वाले शब्द अभिज्ञान। अभिमत। अभिलाषा। छठा उपसर्ग है अव। अव का अर्थ होता है नीचे। और इस उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द है अवगुण। अवनति। अवतार।